हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्ति पीठों पर आज सुबह ही आरती के साथ पूजा अर्चना के साथ विधिवत रूप से माता के शारदीय नवरात्र शुरू हो गए। इन नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से, इसके अलावा विदेशों से माता के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों से मंदिर में हवन यज्ञ करने, गर्भगृह में जाने और लंगर लगाने पर मनाही है, लेकिन फिर भी आज प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष पर जहां पर माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, वहीं पर काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह माता के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह पूरी तरह से बरकरार है। श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि माता रानी की कृपा से कोविड-19 महामारी का नाश हो सकेगा। जबकि मंदिर के पुजारी दीपक भूषण का कहना है कि शारदीय नवरात्रों में माता के पूजन का विशेष महत्व रहता है। जो भी भक्तजन माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। रात के समय माता के मंदिर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालु आराम से माता के दर्शन कर सकें और अपने घरों को खुशी खुशी लौट सकें। ओम जय तू नैने जग जननी मां नैना देवी की अपार कृपा से माता जी के अश्विन मास के शारदीय नवरात्रे आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहे हैं, जो कि आगामी 10 दिन तक चलेंगे। जग जननी मां नैना देवी के भव्य दरबार में सिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी तीर्थयात्रियों के कल्याणार्थ विश्व शांति हेतु कोरोना जनित महामारी रोग क्षय हेतु निवारण हेतु सुख शांति समृद्धि हेतु जप पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान विधिवत रूप से समस्त पुजारियों द्वारा और मंदिर न्यास के सहयोग से किए जा रहे हैं, ताकि जी आने वाले तीर्थयात्रियों को इसका लाभ मिले, सबके दुख दरिद्र जग जननी मां नैना देवी दूर करे, सभी आने वाले तीर्थयात्रियों को आशीर्वाद प्रदान करे। जग जननी मां नैना देवी की आशीर्वाद से, उसकी अनुकंपा से प्रत्येक तीर्थयात्री सुख और समृद्धि का आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि शारद तो हमारे सुरक्षा कर्मी बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि सबको अच्छे दर्शन कराएं और सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखें, और जैसे सरकार की तरफ से आदेश मिलेगा उनका पालन करेंगे।